हालेलुया सबको। जाम से की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें पास्टर अंकल यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता, तेरे लहू में कवर करते हैं पिताजी। ये वचन हमारी जिंदगी में सौगुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति इस वचन में से कुछ चुराने ना पाए पिताजी। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, वो वचन पिता सौगुना फल लेके आए पिताजी। तेरे लोग इस वचन के जरिए सुधारे जाए मेरे सामर्थ्य खुदा। ये वचन उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता, दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, वचन को मानने के फल। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियाँ बनवाकर दूसरी बार इसराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियाँ बनवाकर खिड़कियाँ नामक टीले पर इसराइलियों का खतना करवाया। यहोशू 5:2-3। मेरे प्रिय बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार होते हैं तो परमेश्वर आपको ईमानदार लोग भी देता है जो आपके साथ चल सके। अगर आपके संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं हैं और उतार चढ़ाव जैसे हैं तो इसका मतलब आप कम विश्वास वाले हैं। वो तो आपके आसपास के लोग भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। कुछ लोग परमेश्वर के साथ खेल खेलते हैं। वह कहते हैं कि जब मैं चर्च में हूँ तो मैं एक विश्वासी हूँ, और जब मैं अपना कारोबार करने के लिए जाता हूँ मेरी मसीह ज़िंदगी और कारोबार की ज़िंदगी अलग अलग है और मैं अपनी मर्जी से कारोबार कर सकता हूँ। मुझको झूठ भी बोलना पड़ता है, मेरे हेरा फेरी भी करनी पड़ती है। इसलिए आपके पास आसपास के लोग भी ऐसे होते हैं। आप जैसी निराशा परमेश्वर में बोते हैं वही आपको काटने भी मिलती है, फिर आपके अपने ही लोगों से आपको धोखा मिलता है। मेरे प्रिय बाइबल बताती है कि तू गुप्त में प्रार्थना करेगा परंतु मैं उसका इनाम तुम्हें लोगों में दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम अंदर घूम कर मेरा साथ खेल खेलने की कोशिश करोगे तो वो भी मुझे नजर आएगा। कुछ लोग वचन को तोड़कर निराशा को हासिल करते हैं, तब उनकी निराशा आगे बढ़ती जाती है। उनकी ज़िंदगी में, कारोबार में, परिवार में वह लगातार निराशा में चले जाते हैं, परंतु आप भूल जाते हैं कि आपने परमेश्वर को निराश किया है। परमेश्वर ने कहा, जिस तरह अन्य जातियाँ हमेशा खोज में रहती हैं वैसे ही मेरा बीज लग जाए, मेरी शादी हो जाए। परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियाँ भी इन्हीं की खोज में रहती हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों को सब वस्तुओं की ज़रूरत है। परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर सभी चीज़ें आशीषें तेरे पीछे हो जाएंगी। आज लोग अन्य जगहों पर जाते हैं, बाबा जी मेरा वीज़ा लगा दो, मेरा काम कर दो। परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियाँ और आप में कोई फर्क नहीं। परमेश्वर ने कहा कि अगर मेरे वचन को मनन करो तो सभी वस्तुओं और आशीषें आपके पीछे हो लेंगे। मेरे प्रियो, आपकी ज़िंदगी में जो शरीर का बदलाव शुरू होता है वह सबसे पहले आत्मा में होता है। परमेश्वर ने यूसुफ को कहा कि इसराइलियों का खतना करा दे। पुराने नियम में खतना करना ज़रूरी था। जब उनका खतना हुआ तो परमेश्वर ने कहा कि आज मैंने तुम्हारी नामधराई मिश्र से दूर की है, क्योंकि लोगों को कनान देश में पहुँचाते पहुँचाते 40 साल लग गए थे। इसराइल इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि वह वचन को पूरा नहीं करते थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। जब वह कनान देश में प्रवेश करने के लिए पहुँचे तो वहाँ नगर के चारों ओर मोटी चार दीवारी थी। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि याजकों को बुलवाकर कह कि वाचा के संदूक को उठाए और सात याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेरों के सिंगों के सात नरसिंगे ले चले। फिर यहोशू ने लोगों से कहा कि आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ, जब तक कि मैं ना कहूँ तुम जयजयकार के नारे मत लगाना। और इस तरह हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले और इसी प्रकार 6 दिन किया। फिर 7वें दिन वह सुबह उठकर 7 बार नगर के चारों ओर घूम आए। तभी यहोशू ने उनको बोला कि अब तुम नरसिंगे फूंको और जयजयकार के नारे लगाओ। जब 7वीं बार चक्कर लगाया गया तब इसराइलियों ने नरसिंगे फूंके और जयजयकार के नारे लगाए और यरीहो की दीवार गिर गई। अगर आपके सामने कोई बीमारी की दीवार है, लाचारी की, गरीबी की दीवार है, उसका हाल सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन माने से आप उधार पा सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचनों को थाम कर चलेंगे तो परमेश्वर हर वक्त आपका साथ देगा। वचनों पर खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको बनाएगा, बहुतायत में आशीष देगा आपको।
आपको की माना और मजबूत यरीहो की दीवार को तोड़ दिया, वैसे ही परमेश्वर आज आपकी भी निराशा की, गरीबी की, बीमारी की दीवार को तोड़ देगा। आपको प्रभु के साथ, पवित्रता के साथ और वचन के साथ खड़ा होना है। आमीन। प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा विश्वास दे कि मैं आपके वचनों को अपने जीवन में बरकर मानूं, ताकि सुरक्षा मुझ पर और मेरे पूरे घराने पर आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता ने वचनों में से चुराने न पाए। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, वो ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो, उनकी फैमिली ब्लेस हो पिता। ये वचन की जिंदगी में बिगेस्ट कार्य करे। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जय मसीह की। God bless you all. Amen.